हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो है रिपेयरिंग से। तो आज जो है आपको बताएंगे कि आपका सिलाई मशीन जो है कपड़ा स्लो खींच रहा है, तो उसे जो है कैसे सही करें। तो देखिए, हम इस पर सिलाई कर रहे हैं और बिल्कुल जो है स्लो कपड़ा जो है आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा है। देखिए, तो सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़ा बहुत ही धीमा चल रहा है, स्लो खींच रहा है। देखिए, इधर से जो है इसका जो है बखिया का जो है हम फोर पर रखे हैं, फिर भी लेकिन स्लो चल रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि कपड़ा जो है स्लो सिलाई होता है। तो आपको जो है हम इसमें बता दें, इसका जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर टच भी करके आप देख लीजिएगा। इसमें जो है इसका सिलाई मशीन का जो दांत है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कुछ पॉइंट दबा हुआ है, इसके वजह से जो है कपड़ा खींच नहीं रहा है। इसको जो है सही करना है आपको। तो पहले जो है आपको पौधान को इस तरह से सिलाई मशीन को निकालना है। अब आपको आना है नीचे, आपको नीचे इसमें समझ में आएगा किस तरह से सही होगा। तो आपको आना है यहाँ, बिल्कुल आसान है इसको सही करना। इस नट को आपको लूज करना है, यही जो है सिलाई मशीन का दांत का जो है नट है। देखिए, इसको लूज कर लेना है। इसको लूज करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा इस पर हम इससे ठोकेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है। इधर जो है चेक कर लेंगे ऊपर गया कि नहीं गया। इसमें जो है कुछ पॉइंट नीचे दब गया था, तो इसको जो है यहाँ पर आप ठोकिएगा थोड़ा सा कुछ इससे, तो इसको जो है ऊपर जाएगा। अगर इसको लूज करना है, थोड़ा सा इस पर जो है ठोकना है इस पर, उसके बाद जो है ऊपर चला जाएगा दांत, ऊपर चला जाएगा। तो इसको जो है टाइट कर लेना है, टाइट कर लिए हैं, उसके बाद आपको फिर सामने से दिखाते हैं। तो इसको सही करना बिल्कुल आसान है, जैसे कि देखिए इसका जो दांत है ऊपर की तरह आ गया है। अब जो है आपको सिलाई भी करके दिखा दे रहे हैं किस तरह से सिलाई हो रहा है। देखिए, बखिया जो है वहीं पर है, लेकिन आप सिलाई देखिएगा कितना फास्ट होगा। तो आप देख सकते हैं सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ा जो है फास्ट खींच रहा है। देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि दांत जो है अंदर की तरफ दब जाता है, तो ज़्यादा दबेगा तो कभी कभी तो बिल्कुल ही कपड़ा नहीं खींचता, एक ही जगह पर बार बार सिलाई होता है। तो आपको वहाँ से जहाँ से हम बताए हैं वहीं से आप सही कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम जो है सही हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।